तो भाई लोग, बॉलीवुड बिल्कुल भूल चुका है कि कॉमेडी फिल्म कैसे एक पर्टिकुलर बनाते हैं। ठीक है, अगर बात करूं कोई कॉमेडी किंग रहा है अपने टाइम का, तो वो रहा है प्रियदर्शन, जिसने बहुत प्यारी प्यारी फिल्में दी हुई रिसेंट टाइम में, जैसे जस्ट लाइक माला माल वीकली, हेरा फेरी फ्रेंचाइज, बहुत सारे स्टफ दिए हुए। एंड एक और कॉमेडी किंग रह चुका है जिसका नाम है रोहित शेट्टी, जो आजकल बहुत ही खराब फिल्में देने के लिए फेमस हो चुका है, जस्ट लाइक इनकी रिसेंट फिल्म आई थी सर्कस एंड गोलमाल 4। तो इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया कॉमेडी फिल्म में। तो फाइनली हमारे एक्सेल एंटरटेनमेंट के सर जी वापस आ चुके हैं एक प्यारी फिल्म के साथ, जिसका नाम है मडगांव एक्सप्रेस, एंड मैंने उस फिल्म को देख लिया है। एंड फाइनली कॉमेडी एरा वापस आ चुका है, तो सीधी बात एंड नो बकवास, चलो रिव्यू करते हैं। तो फिल्म की कहानी की बेसिकली शुरुआत होती है एक तीन बचपन के दोस्तों से, जिनका शौक बचपन से ही रहा है कि भाई गोवा घूमना है, मस्ती करना है, रशियन सॉरी ज्यादा नॉटी पर हाँ मजे करने बस किसी तरीके से। और वो तीन उसमें से दो है ग्रो करके अमीर हो जाते हैं, एक बहुत ही ज्यादा लूजर टाइप का बंदा होता है जो एक मीडियम फैमिली में रह जाता है। लेकिन भाई वो बंदा अकेला होता है, पर वो कुछ ना कुछ कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश काम नहीं आती। एक दिन वो प्लान बनाता है, वो तीनों जाते हैं गोवा घूमने, मजे करने, नाचने गाने के। लेकिन भाई किस्मत वहां पर बिल्कुल होती है खराब, पूरी की पूरी खराब। ये तीन फंस जाते हैं एक ड्रग केस में, जहां पे कुछ गैंगस्टर्स उसके पीछे हैं, कॉप्स उसके पीछे हैं, एंड बहुत सारी चीजों के पीछे। वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्या नहीं होता, उन्हें कैसे एक लड़की मिलती है जिनसे वो काफी गुलते मिलते हैं, मेरा मतलब कुछ हम समझना, वो सारी चीजें फुल ऑफ मैडनेस हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगी। पॉजिटिव नंबर वन, स्क्रीन स्टोरी इज गुड बट स्क्रीन प्ले पॉप लेवल। भाई अगर बात करें इसकी कहानी, तो कहानी बहुत जेनरिक है, लेकिन इस जेनरिक कहानी को बहुत ही एडवांस लेवल में ले गए कुणाल खेमू सर, हैट्स ऑफ इतना प्यारा स्क्रीन प्ले देने के लिए। पॉजिटिव नंबर टू, परफॉर्मेंस ह्यूमर एंड कॉमेडी। अगर हम बात करें इस फिल्म परफॉर्मेंस को लेकर, तो परफॉर्मेंस सबकी फाड़ रही है, एंड सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही है वो हमारे मुन्ना भैया की। भाई वो बंदा एक ऐसा कॉमिक रोल है भाई, बहुत अच्छा किया हुआ है। एंड बात करें अदर्स को लेकर, यानी कि उनका भी काम भाई बिल्कुल फाड़ रहा है, एंड स्टार कास्ट बहुत अच्छी की हुई, बस एक का काम छोड़ नूरा फतेही, वो भाई पता नहीं क्या लाइक अ फ्लावर वा, सिर्फ जिसम दिखाने वाला काम उनका, तो मुझे अच्छा उतना नहीं लगा। बाकी बात करें ह्यूमर एंड कॉमेडी की, भाई ह्यूमर प्लस कॉमेडी नॉनसेंस 18+ डायलॉग छोड़ के, भाई ह्यूमर एंड कॉमेडी कूट कूट के देखने को मिलते इस फिल्म में, एंड हर एक बंदा लिटरली हंस पड़ोगे। और रही बात इस मेरे फिल्म को पेन को, मैं दूंगा इस फिल्म को 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 आउटस्टैंडिंग फिल्म के लिए। और हाँ, अगर इस फिल्म को 3.5 स्टार दिया है, तो फिल्म में अपना एक अलग लेवल का पोटेंशियल होगा, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप इस फिल्म को देखो। एंड अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसे रिव्यूज में अगली वीडियो में, लगा दूंगी बहुत जल्द।